वेलकम ऑन freewebpsc.com में आपके साथ हूँ मितेश सथवारा। मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइन। उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ कि मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, UI/UX डिज़ाइनर हूँ। मैं लास्ट इस फील्ड में 12 ईयर से मैं वर्क कर रहा हूँ और मैंने बहुत सारी MNC कंपनियों में वर्क कर चुका हूँ, बहुत बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट में भी वर्क कर चुका हूँ। और दैट टाइम आई एम वर्किंग ऑन इंटरनेशनल क्लाइंट। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, कौन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या नहीं ज़रूरी है। मैं आपको सब चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे आप मेरे साथ जुड़े रहें और मैं आपके साथ जुड़ा रहूँ, क्योंकि मैं वन बाय वन सब भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर के बारे में आपको डिटेल में सिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ डोंट मिस माई लेक्चर एंड माई वीडियो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, XD, फिग्मा, इन डिज़ाइन, इस सभी सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको डिटेल में सिखाने वाला हूँ। चलिए देखते हैं कि व्हाट इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या? ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम विजुअली कम्युनिकेशन करके, यानी कि हमारे दृष्टि से संदेशा व्यवहार करके कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाते हैं। उसके लिए हम टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी, आइकोनोग्राफी एंड इलुस्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ यूज़ करके हमें कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जिससे हमें कुछ मैसेज मिले। मैं तो यूँ बोलूँगा कि ग्राफिक डिज़ाइन वन टाइप ऑफ एक लैंग्वेज है। आप बोलोगे कहाँ भाई लैंग्वेज है, ग्राफिक डिज़ाइन थोड़ी पढ़ी जाती है। चलिए मैं आपको उसका एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, एक इमेज दिखा रहा हूँ, एक डिज़ाइन है। इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, फिर भी आपको पता चल जाता है कि इस सिग्नल का मतलब क्या है। नो पार्किंग का सिग्नल है, आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे हमें गाड़ी पार्क करनी नहीं है। चलिए मैं एक इमेज दिखाता हूँ आपको। देखिए ये मोस्टली आपको ज़्यादातर जहाँ पे पहाड़ी इलाका है वहाँ पे ज़्यादा दिखने को मिलता है ऐसा सिग्नल। लेकिन ये सिग्नल देख के आपको पता चल जाता है कि सिग्नल क्या बोलना चाहता है हमें। यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, फिर भी हमें पता चल जाता है, दैट इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइन। हमें कुछ डिज़ाइन में ऐसा डिज़ाइन से, आर्ट से हमें कुछ ऐसा क्रिएट करना है कि उससे कुछ मैसेज हमें मिले। एक दूसरी चीज़ कि ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए हमें एजुकेशन क्या चाहिए। देखिए ग्राफिक डिज़ाइनर कोई भी बन सकता है, उसके लिए एजुकेशन इज़ अ नॉट मैटर। एजुकेशन कुछ भी मैटर नहीं करता। कॉमर्स वाला बंदा हो, आर्ट्स वाला बंदा हो, या कोई भी बंदा हो, वो उसको ग्राफिक डिज़ाइन में इंटरेस्ट है तो वो कर सकता है। देखिए यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, जिसके अंदर मल्टीमीडिया के कोर्सेज के अंदर हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने को मिलता है। आप कोई भी इंस्टीट्यूट से ज्वाइन करके आप सीख सकते हो। आर्ट्स कॉलेजेस भी चल रही है, वहाँ पे भी जाके आप सीख सकते हो। और मैं आपको वो एक चीज़ बोलूँगा कि जहाँ पे भी आप जाओ, सबसे पहले उसका पोर्टफोलियो देखो, हमें सिखाने वाला कौन है, उसके पास कितना नॉलेज है, उनके जो स्टूडेंट है उन लोगों ने क्या क्या क्रिएट किया है, कैसे कैसी डिज़ाइन बनाई हुई है, उससे आपको पता चल जाएगा कि हमें कितना सीखने को मिलेगा। देखिए टूल कैसे यूज़ करना है वो तो कोई भी सिखा देगा, आप YouTube से ऐसे भी सीख सकते हो। लेकिन वो चीज़ का यूज़ हमें कैसे करना है, कहाँ पे वो चीज़ यूज़ करनी है, वो सब चीज़ हमें कोई एक्सपीरियंस बंदा हो वही सिखा सकता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सबसे पहले जो भी इंस्टीट्यूट में जाइए, वहाँ पे वहाँ के स्टूडेंट के पोर्टफोलियो चेक कीजिए। ग्राफिक डिज़ाइनर का इंडिया के अंदर करियर क्या है? देखिए ग्राफिक डिज़ाइनर का यूज़ सब भी इंडस्ट्रीज में होता है। ऐसी एक भी इंडस्ट्रीज नहीं है जहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर का यूज़ ना होता हो। यानी एक तरीके से आप देख लो तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करोगे तो आप कभी भी फ्री नहीं बैठोगे, लेकिन आपके अंदर कुछ टैलेंट होना चाहिए। लेकिन ग्राफिक डिज़ाइन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, उसके बारे में मैंने एक डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है, आप वहाँ पे जाइए और वो चीज़ देखिए। देखिए आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो या नहीं बन सकते। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल एंड शेयर एंड लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।